हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल बॉय गेमिंग। सो गाइस, आगे वीडियो देख लें इस पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो कर लीजिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। सो गाइस, यहाँ पर अभी हम लोग ने नए सर्वर में स्टार्ट कर दिया गाइस खेलने। रैंक्ड मोड का है बैच सर्वर, तो अभी हम लोग इसमें पूरा बैच की तैयारी के लिए अभी खेलने वाले हैं। भले ही बैच मिले या ना मिले, लेकिन इसमें खेलने वाले तो हैं ही हम, क्योंकि गाइस ग्लोबल खेलने से अच्छा यही खेल लो। इसमें भी पॉइंट मेडल हम लोग निकाल ही लेंगे गाइस, क्योंकि पॉइंट मेडल हम लोग दूसरी जगह कर लेंगे, कहीं ना कहीं सेव कर लेंगे, बचा के कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, 15 लेवल तो हम लोग कर ही लेंगे इस बार। तो 15 लेवल करने पर भी काफ़ी अच्छे गोल्ड कॉइन मिल जाएंगे, जिससे हम लोग करने बाय करेंगे टैलेंट चेस्ट, जिससे हम लोग करेंगे अपना टैलेंट लेवल अप। तो यहाँ पर भी मैं वुड फार्म कर रहा हूँ, देख सकते हो सामने हमारा बेस है। यहाँ पर सॉलिड बिल्ड कर रहा है, बिल्कुल नया बेस डिजाइन है। तो अभी ये मेन बेस नहीं होने वाला है गाइस, अपना जो मेन बेस हो वो हम लोग आपको आगे दिखाएंगे, वो होगा सीक्रेट। तो जो हम लोग दिखाएंगे आगे मेन बेस होगा। और मेरा यहाँ पे फ़ोन जो है गाइस, यहाँ पर 10% हो चुका है, तो जिससे यहाँ पर मेरा गेम जो थोड़ा यहाँ पर लैग हुआ, तो मैं रुक गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना फ़ोन जो वो चार्जिंग में यहाँ पर लगा रहा था। सो गाइस, यहाँ पर भी मैंने लगा लिया अपना फ़ोन चार्ज में गाइस। तो अभी चलते हैं यहाँ पर, देख सकते हो गाइस काफ़ी छोटा बेस है हमारा यहाँ पर गाइस। तो जैसे मैंने बताया आपको गाइस कि हमारा मेन बेस नहीं है गाइस, तो मेन बेस है वो बाद में लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, तो यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर लगा लेता हूँ गाइस। यहाँ पर ट्रायंगल सीलिंग ऐसे ही लगा दिया मैंने कि लेडर ना लगे, थोड़ा लुक भी जो है गाइस ट्रायंगल सीलिंग से थोड़ा अच्छा लगने लगता है गाइस बेस का से। वैसे तो अभी लेडर कोई मतलब है नहीं, क्योंकि गाइस ज़्यादातर बंदों के पास ग्लाइडर होता है, क्योंकि बैच सर्वर है। तो गाइस इसमें लगभग ऐसी ऐसी लीजन आती है जिनके लगभग पूरी लीजन के पास गाइस ग्लाइडर होता है, तो इसलिए अभी ये लगाने कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन तब भी लगा देते गाइस, क्योंकि इससे बेस का लुक जो है गाइस थोड़ा अच्छा लगने लगता है। सो गाइस, अब मैंने डोर पे नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर लेडर नहीं लगता डोर पे, लेकिन बाद में लुक अच्छा नहीं आ रहा था। तो गाइस सब देख सकते हो, जैसे लगता है बेस को कांटे निकले हुए हैं, कोई भी आएगा धस जाएंगे उनको। और यहाँ पे सॉलिड जो बेस ऊपर बिल्ड कर रहा है गाइस, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ बेस ऊपर से कैसा दिखता है। सो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ऊपर से ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते, पूरा ओपन बेस है यहाँ पर ऊपर से। तो अभी यहाँ पर हम लोग डोर वोर लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे तो बंद है गाइस, यहाँ पर वॉल लगाई है, और देख सकते हो पूरा यहाँ पर ओपन है, और ये बीच में ऐसे ही बंद किया है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लूट रखना होगा, तो रख देंगे हम लोग। और यहाँ पे अपना बेस भी बिल्ड कर लेंगे गाइस अपना यहाँ पर। तो देख सकते हो अभी सॉलिड यहाँ पे बेस और बड़ा कर रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर गाइस जो बेस है यहाँ पे थोड़ा बंकर टाइप है, देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो ये वैसे ज़्यादा बड़ा बेस है नहीं है, तो काफ़ी छोटा बेस है, वो हम लोग ऐसे ही बना रहे, क्योंकि गाइस बेस डिज़ाइन काफ़ी बंदे जो होते हैं वो पता कर लेते हैं गाइस, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे ही बेस बना रहे गाइस। इसके बाद हम लोग एक और बेस बनाएंगे गाइस, इसको हम लोग ज़्यादा नहीं, बस मेन मेन चीज़ स्टोन आयरन कर देंगे, और बाकी बेस जो वैसे ही छोड़ देंगे गाइस यहाँ पर, देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, फिर उसके बाद यहाँ पे बिल्ड करने के बाद देख सकते हो, यहाँ पे जो सॉलिड है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, विंडो लगा रहे हो, तो यहाँ पे पीपी करने के लिए गाइस हम लोग एरिया बना रहे हैं गाइस यहाँ पर, देख सकते हो। तो काफ़ी यहाँ पर सही है, यहाँ पर बाद में हम लोग आयरन विंडो बार लगा देंगे गाइस। और यहाँ पे सॉलिड के पास लगता है वहाँ पर वुड खत्म हो गई गाइस, तो मेरे पास भी वुड थोड़ी सी शायद ही हो नहीं है गाइस, तो चलते हैं अभी वुड थोड़ी सी फार्म कर लेते गाइस, फिर उसके बाद हम लोग दोबारा से इस बेस को और भी बड़ा करेंगे। लास्ट में इसको स्टोन का फुल स्टोन नहीं करेंगे गाइस, मेन मेन जगह स्टोन कर देंगे और आयरन कर देंगे, जहाँ मेन लूट होगी पूरी आयरन, और हो सकेगा तो गाइस दूर जो है वो स्टील की कर देंगे। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, अभी मैं यहाँ पर वुड फार्म कर रहा हूँ, तो साथ में सॉलिड भी यहाँ पर देख सकते हो फूड फार्म कर रहे हैं। तो गाइस सभी लोग यहाँ पे काफ़ी फार्मिंग कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर बिग ब्रो भी फार्म कर रहे हैं, सभी मतलब लगभग पूरे रीजन लोग यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं, खास करके सॉलिड और बिग ब्रो हो गए यहाँ पर। और सो गाइस फिर उसके बाद हमने सोचा कि गाइस चलते हैं मिलिट्री थोड़ा रूम कर लेते गाइस, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी गन नहीं है गाइस, और ऑपरेशन बेस से भी ट्रांसपोर्ट होना उन्होंने बंद कर दिया। अब तो पहले तो ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, हम लोग ऑपरेशन बेस में मतलब इंटर तो हो जाते, लेकिन अभी इंटर भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा है, नॉट अवेलेबल कन्फर्म टू इंटर, जब कन्फर्म दबा तो गाइस इंटर ही नहीं हो रहा है ऑपरेशन बेस में। और यहाँ पे गाइस बिग ब्रो बाहर ही, उनके पास मास्क नहीं था, वो गलती से लाना भूल गए थे, या फिर उन्होंने एक बंदे ने किल किया था तो वहीं पर वो ड्रॉप हो गया था मास्क। तो यहाँ पर हम लोग अपना चलाते हैं यहाँ पर अपना बल्ला, तो यहाँ पर चेक करेंगे, हो सके कि मास्क मिल जाए, दो तीन सप्लाई चेस में तो चेक करेंगे मिल जाए। और यहाँ पे गाइस एवेंजर मिलेगा, तो गाइस हम लोग एवेंजर को भी किल ज़रूर करेंगे अगर मिल जाता है तो गाइस यहाँ पर।
अभी हम आ चुके गाइस यहाँ पर, मैं सप्लाई चेस्ट एक तोड़ा गाइस और यहाँ पे गाइस मिल गया काफ़ी, ये चौथा या पांचवा सप्लाई चेस्ट तोड़ने पर मिल गया मास्क गाइस। तो अभी चलती से चलते गाइस रेडिएशन मास्क दे देते हैं बिग ब्रो को। वैसे एक्शन लेके आ गया था मास्क, लेकिन अभी दे देते तब भी एक हो एक बिग ब्रो को दे देते हैं। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो हमने दे दिया, यहाँ पर आए रूम करने और यहाँ पर मैं इसको मार रहा था इस बिल्डर इन्फेक्टर, लेकिन मैंने मारा नहीं, फिर मैं भाग के इधर आ गया बिग ब्रो के पास। तो फिर मैं सोचा कि ऊपर चढ़ जाता हूँ यहाँ पर, तभी गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये जॉम्बी यहाँ पर रुका था, मैंने सोचा मारूं, लेकिन ये यहाँ पे भी आ गए गाइस। मेरी हेल्थ देख सकते हो गाइस 9 HP कर दी गाइस यहाँ पर, इतनी कम हेल्थ कर दी मेरी। तो यहाँ पर किल हो गया गाइस, हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ वुडन क्लब था गाइस, मैचेट वैचेट कुछ भी नहीं थी, रेसिपी नहीं थी। तो यहाँ पर पहले मैं थोड़ी सी हीलिंग लगा लेता हूँ, यहाँ पर जो हीलिंग लगा रहा था तो बिग ब्रो वापस मांग लिया हीलिंग, क्योंकि गाइस मैं डिस्कॉर्ड पर था। तो यहाँ पर वापस उन्होंने सीरिंज दिया, तो अभी सीरिंज से हील कर लेते गाइस और फिर चलेंगे हम लोग रूम करने गाइस यहाँ पर। तो अभी जाए गाइस यहाँ पर लग चुका है, तो जल्दी जल्दी से चलते गाइस रूम करने गाइस ऊपर, और गाइस लूट देखते हैं, देखते हैं गाइस क्या मिलती है। अच्छी लूट मिल जाए, गन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा गाइस यहाँ से। तो अच्छी लूट तो मिल जाना चाहिए यहाँ से गाइस। यहाँ पर चलते हैं अभी गाइस ऊपर, यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है, यहाँ पे मेरा गेम भी लैग हो रहा है गाइस, तो अपडेट के बाद थोड़ा लैग जो यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया, और कई बग भी आए थे जो उन्होंने बहुत जल्दी फिक्स कर दिए, लेकिन जो जिसमें हमारे फ़ायदे थे वही वाले बग्स फिक्स किए हैं गाइस, और जिनमें हमारे मतलब और कई बग है गाइस, जैसे अभी बैच वाला बग आया था उसमें हमारा इतना फ़ायदा था गाइस, उसको फिक्स कर दिया इन्होंने और 3 घंटे के अंदर गाइस फिक्स कर दिया। और अभी एक बग है गाइस, कौन सा, ये फायर वाला बग है गाइस, मतलब आप जैसे कोई इनमी के फायर बटन दबाओगे, गन फायर करोगे 2-3 बुलेट्स, जैसे आप फायर बटन दबाओगे आपका गेम जो लैग होगा 10 सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए, तो वो फिक्स नहीं कर रहे हैं गाइस ये, और गेम लैग भी पहले से बढ़ गई, ये भी नहीं फिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो बग इतनी जल्दी फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर गाइस हमने ग्रीन रूम तो ओपन कर लिया था, शायद नहीं किया था याद नहीं मुझे, लेकिन हमने यहाँ पर ब्लू रूम ओपन किया, यहाँ पे पर्पल रूम था गाइस, तो ब्लू कार्ड ब्लू रूम से पर्पल कार्ड तो नहीं मिला। और यहाँ पे गाइस मैं बिग ब्रो को किचन नाइफ दे दी, क्योंकि गाइस आगे मॉन्स्टर हमारे पास गन नहीं है, किचन नाइफ मिल गई थी मुझे यहाँ पर, तो मैंने बिग ब्रो को दे दिया गाइस सब, क्योंकि सॉलिड लेके आ गया था गाइस यहाँ पे किचन नाइफ बनाकर। तो यहाँ पर मैं यहाँ से घूम के जाने वाला हूँ, मतलब जो मॉन्स्टर है वो मुझे टारगेट लेगा गाइस, तब से बिग ब्रो उसको नाइफ से किल कर देंगे गाइस। तो यहाँ पर मैंने उससे पूछ लिया रेडी है यहाँ पर गाइस वो, तब जल्दी से चलते गाइस। और यहाँ पे देखो ये नूबड़े का, इसने टारगेट ही नहीं ले पाया उतने में, इसका हमने कांड कर दिया। और यहाँ पर बल्ला चलाते गाइस देख सकते हो, थोड़ी खास लूट नहीं मिली, कुछ स्टील भी नहीं मिला गाइस। तो अभी यहाँ पे एक्शन मर गया था गाइस यहाँ पर, तो अभी हमें उसकी लूट भी जाना पड़ेगा यहाँ पे लेने, एक्शन मर गया आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर उसका मार्क लोकेशन को जो है उसकी मार्क कर लेता हूँ, जिससे हम लोग जाके वहाँ से ले लेंगे। यहाँ मैंने उसे बोल दिया स्पॉन मत होना, तो यहाँ मैं गली से मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैंने मार्क कर लिया है, तो अभी हम लोग चलते हैं, यहाँ पर भी एक होता मॉन्स्टर, तो उसको भी मारेंगे गाइस ऐसी मस्ती में यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जा रहा था उसको यहाँ पर मतलब ग्लिच करने, यहाँ पर बिग ब्रो पता नहीं क्यों बैठ गए, तो मैंने उनसे कहा कि मैं जा रहा हूँ, इसको एम ले रहा हूँ, आप मारना यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं चला भी गया उसके सामने, देख सकते हो गाइस यहाँ पर वो फायर भी कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने फाइनली बिग ब्रो को बोल दिया और यहाँ पर बिग ब्रो ने उसको किल कर दिया गाइस। तो अभी यहाँ से चलते गाइस नीचे, तो यहाँ पर पर्पल रूम है गाइस यहाँ पर, तो पर्पल कार्ड तो है नहीं गाइस, तो इसके बाद हम लोग चलेंगे गाइस एवेंजर ढूंढ लेंगे, मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा तो अच्छी बात है गाइस, तो उसको किल कर लेंगे। तो अभी चलते हैं गाइस यहाँ से। सो यहाँ पर देख सकते हो गाइस पर्पल रूम है, आपको दिख रहा होगा देख सकते हो एडवांस एमोचेस, तो ये पर्पल रूम है, तो हमारे पास पर्पल कार्ड नहीं, तो अभी चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पे एक्शन मरा था गाइस यहाँ पर मैंने उसकी लूट ले ली, यहाँ पर सॉलिड ने ले ली है। तो यहाँ पर मैंने नाइफ दे दी थी तो एक्शन मतलब बिग ब्रो को, तो यहाँ पे एक नाइफ मुझे दे दी यहाँ पर, और आर्मर भी दे दिया जो एक्शन का ड्रॉप हुआ था, और रेड डॉट भी मिला था एक्शन को यहाँ से, तो वो भी मिल गया हमें गाइस रेड डॉट भी यहाँ से। तो अभी हम लोग यहाँ पे एवेंजर ढूंढ रहे थे गाइस, तो एवेंजर तो नहीं मिला यहाँ पर, तो उसका किसी ने पहले से ही एक कांड कर दिया था, यानी उसका मर्डर हो चुका था, अफसोस वो एक दिन के लिए इस दुनिया से जा चुका था। फिर हम लोग दोबारा आए गाइस उसी दिन 1-2 घंटे बाद, तो यहाँ पर आए फिर से हम लोग दोबारा रूम करने ब्लू रूम। तो गाइस यहाँ से फिर से आ चुके हम लोग ब्लू रूम, तो ब्लू रूम ओपन करते गाइस यहाँ से, पर्पल कार्ड मिल जाना चाहिए इस बार। तो गाइस यहाँ पर पर्पल कार्ड हमें मिल चुका है गाइस, तो अब जल्दी से फोड़ते हैं लास्ट में एमो चेस्ट, आप लोग फोड़ा करिए तो लूट ज़्यादा चांसेस होते हैं। और गाइस देख सकते हो कितना अच्छा लूट मिला है, 54 स्टील बार्स मिले, तो गाइस 50 स्टील बहुत होते हैं, वो भी स्टील बार्स, तो काफ़ी अच्छा लूट मिल गया था गाइस यहाँ से। सो गाइस अभी चलने वाले हैं यहाँ से, हम लोग चलते हैं सीधा पर्पल रूम ओपन करने गाइस। तो पर्पल रूम होता है दूसरे टावर में, यानी ऐसे एक और टावर होगा गाइस, तो वहाँ पे आपको जाना है। तो पहले यहाँ पे बिग ब्रो रेजिस्टेंस निकालने गए, तो चलते रेजिस्टेंस सर यहाँ पे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर लगता है बिग ब्रो का गेम हो रहा है, काफ़ी लैग गाइस यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी उनसे डिस्कॉर्ड पर बात हो रही थी, वो
तो उनका गेम काफ़ी लैग हो रहा था। यहाँ वो बोल रहे थे उनका गेम अटक गया एक जगह, मतलब मूवी नहीं कर रहा है कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेंस निकाल लिया गया, तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि उनका गेम सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे थे गाइस, वो बोले थे उनका गेम अटक गया, उनका नेटवर्क शायद नहीं था या फिर उनका गेम में ग्लिच हो गया होगा गाइस कोई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लिच हो गया गाइस इस गेम में। यहाँ पे वो बोले थे उनका करेक्टर मूव नहीं कर रहा है गाइस, लेकिन यहाँ पे मूव कर रहा था और वो थोड़ा देर बाद हो जाते हैं यहाँ पे डिसकनेक्ट। तो अभी थोड़ा देर हम लोग वेट कर लेते क्योंकि वो आएंगे गाइस यहाँ पर, तो विप्रो आ जाएगा तो हम लोग जाएंगे रूम करने पर्पल। तो गाइस यहाँ पर विप्रो भाई आ चुके हैं, तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं पर्पल रूम में गाइस यहाँ पर। तो अभी सीधा करते हैं पर्पल कार्ड स्वाइप और गाइस इससे लूट क्या जबरदस्त खतरनाक कतई जहर वाला लूट मिला है गाइस यहाँ पर। तो जल्दी से सारा सप्लाई चेस्ट तोड़ लेते हैं, एमओ चेस्ट तोड़ लेते हैं गाइस, एमओ चेस्ट से कुछ खास नहीं। और यहाँ पे गाइस अपने बल्ला चलाने का फायदा। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो गाइस हमें मिल गई थी यहाँ से क्यूबिजेट और लॉन्चर मिल गया था गाइस, काफी खतरनाक लूट देख सकते हो। मैं आपको दोबारा से क्यूबिजेट दिखाता हूँ यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्यूबिजेट हमें मिल गई थी गाइस। तो एआर गन मिल गई, लेकिन अभी तक हमारे पास यूजी और एसएमजी नहीं थी, तो एआर गन तो अभी चलाएगी नहीं, तो अभी हम लोग को एसएमजी और यूजी भी चाहिए थी, उसको भी ढूंढना है गाइस। तो यहाँ पर अभी चलते गाइस यहाँ पे सीधा भी ग्रीन रूम भी कर लेंगे गाइस, यहाँ पे ग्रीन रूम से ब्लू कार्ड भी मिल जाएगा क्योंकि चेक कर लेंगे गाइस। तो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया गाइस, यहाँ पे ग्रीन रूम में ब्लू कार्ड है, तो चलते हैं तो ग्रीन रूम ओपन कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग ग्रीन रूम सिर्फ एक ही मकसद से, दो मकसद से कम अपने ग्रीन रूम ओपन करेगा करो, पहला था डेली क्वेस्ट जो था वो कम्प्लीट करने के लिए, और दूसरा ब्लू कार्ड ग्रीन रूम्स के लिए ओपन किया। आप लोग कभी भी गाइस जो कार्ड होता है ना वो मार्टबोर्ड से मत बाई किया करो, फालतू का स्पेयर्स मत, अगर आपके पास ज़्यादा ही स्पेयर्स है, आप ज़्यादा फार्मर हो अच्छे तो आप लोग बाई कर सकते हो, लेकिन आप लोग स्पेयर जो है फालतू वेस्ट मत किया करो मार्टबोर्ड से बाई करने में ब्लू चिप। आप लोग बस एक ग्रीन कार्ड ढूंढा करो, वो फ्री मिल जाता है गैस स्टेशन पे, बायो में भी मिल जाता है फ्री, हर बार जब जाओगे टॉयलेट में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग लेके ग्रीन रूम ओपन करो तो ब्लू मिल देगा। तो एक ग्रीन कार्ड जो है वो 7 बार की 5 बार यूज़ हो सकता है, तो आप लोग 7 बार में 5 बार में आपको 2 से 3 बार तो ब्लू कार्ड मिल ही जाएगा। और अगर आप बार बार देख के रूम ओपन कर रहे हो ब्लू कार्ड, तो ब्लू कार्ड देख के ओपन करो ब्लू कार्ड के लिए सिर्फ, तो तब तो आपको 7ों बार ब्लू कार्ड मिल जाएगा। और फिर ब्लू कार्ड से आप लोग मतलब ब्लू कार्ड से ब्लू रूम ओपन करो, उसमें भी आपको पर्पल मिल जाता है ज़्यादातर चांस, लेकिन ब्लू वैसे पर्पल मिलता नहीं है जल्दी, आपको देख के रूम ओपन करना पड़ेगा। तो जब आप लोग चेक कर लो कि पर्पल कार्ड है तभी आप लोग रूम ओपन करो ब्लू, नहीं तो ऐसे तीन ही बार यूज़ हो सकता है ना गैस ब्लू कार्ड, तो वही मैं बता रहा था। तो गैस फिर हम लोग आ गए हार्बोर पे गैस, और गैस यहाँ से लूट मिला जो इतना खतरनाक क्या जबरदस्त वाला लूट मिला था गैस, इससे दिल खुश हो गया गैस हम लोग का यहाँ पर। तो यहाँ पर गैस हमें एसएमजी मिल गई थी एक्शन को, यहाँ पर एक बंदा जो था वो ऑफ था तो उससे एसएमजी मिल गई गैस, तो हमने रेसिपी भी निकाल लिया गैस एसएमजी की, और हमने एक एसएमजी भी बांट लिया। और यहाँ पर देख सकते हो रिसर्च इन्फेक्टेड का इतने साले ने इतना दूर तक आके मेरा इतना हेल्थ डैमेज कर दिया, जो कि मैं इतना भागे जा रहा हूँ इतना ऊपर तक आ गया गाइस, देखो इतना डैमेज दे दिया मुझे। तो यहाँ पर अभी चलते गाइस रूम ओपन करने गाइस यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर मेरा नेटवर्क जो है वो थोड़ा ख़राब है गाइस, इसी से एक बहुत बड़ा गंदा वाला चीज़ हो गया गाइस। वैसे मैं यहाँ पर पहले चलते गए इस रूम ओपन कर लेते गए, तो यहाँ पर सीधा मैं जा रहा हूँ रूम ओपन करने। यहाँ का एमओ चेस्ट विब्रो ने तोड़ दिया था गए, और यहाँ के एमओ चेस्ट से गए विब्रो को मिल गई थी गए डुअल यूजी, तो जो कि मैं दिखाया नहीं वीडियो में, लेकिन हमें मिली थी गए यूजी, आपको थंबनेल में फोटो दिखा होगा यूजी का, तो यूजी हमें मिल गई थी यहाँ से इस रूम करके। तो गए फिर उसके बाद हम लोग आ गए गए यहाँ पर ये एमओ चेस्ट तोड़ने गए। यहाँ पे जब गए मैं एमओ चेस्ट तोड़ रहा था टूटा ही नहीं, दरअसल ये मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, मैं लैग हो गया था यहाँ पर, तब तक इन लोगों ने तोड़ दिया गए। और यहाँ से गए हमें मिल गए 2 C4 क्या बोलते हैं C4 ही बोलते हैं ना, हाँ मिलिट्री C4, 2 मिलिट्री C4 मिल गए गए यहाँ पर। गेम भी लैग हो रहा था, तो यहाँ पर हम लोग सीधा यहाँ से कट लिए सीधा बेस यहाँ पर। मैं वीडियो में भी नहीं दिखा पाया हूँ गाइस, लेकिन हमें मिली थी गाइस C4 मिली थी और UG मिल गई थी। तो फिर गाइस यहाँ पर मैं आ गया गाइस दोबारा यहाँ पे रूम ओपन करने गाइस ग्रीन रूम के अंदर, सॉरी ब्लू रूम था यहाँ पर, अब क्या ग्रीन रूम था ब्लू रूम था जो भी हो, तो ब्लू रूम था गाइस, हाँ याद आ गया ब्लू रूम था गाइस। तो अभी चलते हैं यहाँ पे ब्लू रूम के लिए रजिस्ट्रेंस लगा लेते गाइस, यहाँ पे मैंने पास ही में मतलब अपना बेस बनाया गाइस तो रूम करने के लिए गाइस। तो अभी चलते जल्दी से रूम ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से देखते हैं क्या लूट मिलता है गाइस। वैसे ब्लू पर्पल कार्ड नहीं था गाइस, लेकिन मैंने ऑन तभी रूम कर लिया गाइस ब्लू वाला। तो अभी ये जो ब्लू रूम है गाइस ये ग्रीन में कन्वर्टेड हो चुका है, क्योंकि गाइस मैं आगे आया था तो यहाँ पे ग्रीन है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में अगर देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ पर 3 सप्लाई चेस्ट मिल जाते गाइस, इनको तोड़ लेते गाइस। तो इस वीडियो में खाली रूम ओपनिंग की वीडियो दिखाई गाइस, क्योंकि
आपको रूम ओपन करना ही चाहिए, काफ़ी अच्छी लूट मिल जाती है। और गाइस यहाँ से देख सकते हो हमें मिल गई थी यहाँ से सेमी ऑटो राइफल, तो हमारे पास लगभग हर गन हो गई थी गाइस। यहाँ पे देख सकते हो इसने क्या कर दिया, वो बच गया मैं। तो गाइस फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं था, दोबारा आया था रूम करने, तभी मैं जा रहा था गाइस, आपको दूर एक कुछ वाइट वाइट करके अभी दिखेगा आपको गाइस, तो चमक रहा होगा दूर से, अगर आपने शुरुआत में नोटिस किया होगा देख सकते हो सामने ट्री के बगल में कुछ वाइट वाइट कलर का चमक रहा है। तो यहाँ पर गाइस तो कोई तिराहा तो नहीं है, लेकिन जीप स्पॉन हुई आपको दिख रही होगी गाइस सामने वाइट कलर का, देख सकते हो कुछ पूरा वाइट कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक रेड ऑयल ड्रम तोड़ दिया गाइस, जिससे 10 फ्यूल मिले हैं, तो उसको डाल देते हैं यहाँ पर गाइस और जीप लेके चलते हैं बेस पर अपने। तो गाइस जीप मिल गई, काफ़ी मज़ा आ गया गाइस। और जीप ने गाइस पहले जब फर्स्ट टाइम मिली थी तो गाइस इतनी अच्छी नहीं थी, सेकेंड टाइम तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही गाइस, थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दिया गाइस इसके अंदर, थोड़ी इम्प्रूव हो गई गाइस। आप लोग देख सकते हो टायर तो वैसे ही, लेकिन तो गाइस देख सकते हो थोड़ा इसके कलर में इम्प्रूवमेंट हुई, और पीछे नंबर प्लेट भी दिख रही है जो कि पिछले में शायद नहीं दिख रही थी, अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा या पे शायद दिख रही होगी, मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन अभी एकदम नंबर प्लेट एकदम साफ साफ दिख रही है और पहले से थोड़ी अच्छी लग रही है जीप जो है। और स्पीड भी गाइस पहले से बढ़ गई, पहले 70-80 पकड़ती थी गाइस, अभी तो 100 पकड़ ले रही है गाइस, इतनी जल्दी में 100 की स्पीड पकड़ ले रही है काफ़ी, और पहले से काफ़ी अच्छी स्टेबल भी हो गई है गाइस, और भी पहले से मस्त हो गई गाइस, काफ़ी अच्छी है। तो रूम करने के लिए काफ़ी अच्छी है गाइस, बुल चैरियट से कम नहीं है गाइस, बुल चैरियट से कम नहीं तो गाइस बुल चैरियट से ज़्यादा भी नहीं, और ना बुल चैरियट इससे ज़्यादा भी नहीं है तो इससे कम भी नहीं है, मतलब दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर जल्दी से इसको अंदर कर लेते गाइस, यहाँ पर ड्रिफ्ट दे देख सकते गाइस, स्पीड काफ़ी अच्छी जा रही है अभी इसकी, यहाँ पर मैं टर्न ले रहा हूँ तो स्पीड कम है, स्ट्रेट पर मेरी 100 तक गई थी स्पीड। तो अभी यहाँ पर फाउंडेशन लगा लेते गाइस और जीप को कर लेते हैं अंदर। सो गाइस यहाँ पर मैंने 2 बैसे लगा लिए यहाँ पर, तो अभी जल्दी से इसको ऊपर करते हैं गाइस, यहाँ पर चढ़ी नहीं और फ्यूल भी खत्म हो गया, तो गाइस अंदर देखते हैं अगर फ्यूल हुआ तो लेते हैं, नहीं तो बेस से लाना पड़ेगा। तो यहाँ टीसी में तो कोई भी फ्यूल नहीं है, सिर्फ क्रूड ऑयल है, तो यहाँ पर चेस्ट में चेक कर लेते हैं गाइस है कि नहीं फ्यूल। ओ गाइस यहाँ पर मिल चुका है गाइस, 8 फ्यूल है यहाँ पर, तो डाल देते, इतने में तो काम हो जाएगा अपना आराम से। तो यहाँ पर गाइस सारा फ्यूल जो यहाँ पर एक ऑयल ड्रम बार बार स्पॉन होता है, तो उसी को तोड़ तोड़ के इतना सारा मिला था, और अभी भी मैं गया था तो वही ऑयल ड्रम तोड़ के ही जा रहा था, तो देखा तो जीप मिल गई सामने से, दूर से दिख गई थी मुझे वाइट वाइट, तो मैं ले लिया। और यहाँ पर फ्यूल डाल लेते हैं जल्दी जल्दी से, और गाइस यहाँ पर चढ़ ही नहीं रही है, क्या करूँ मैं समझ नहीं आ रहा है। तो इसको पहले गाइस सोच रहा हूँ मैं स्टोन का कर दूँ, गाइस यहाँ पर चढ़ नहीं रही है, तो इसको स्टोन का कर देते गाइस, थोड़ा सा स्टोन फार्म करके इसको स्टोन का कर देते, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कई बार नहीं चढ़ती गाड़ी, मतलब ऐसे बेस स्टेयर्स पे, तो आप स्टोन का कर दोगे तो थोड़ा चांसेस बढ़ जाते चढ़ने के। तो यहाँ पर स्टोन का कर देते गाइस, जल्दी से स्टोन फार्म करके उसको स्टोन का करके ट्राई करते हैं, चढ़ जाती है तो फिर उसको बंद कर देंगे, बाद में होगा गाइस फ्यूल फार्म करके हम लोग अगर फ्यूल लाएंगे यहाँ पर, मतलब सेल्फी करके ट्राई करके फ्यूल ला के इसको हम लोग मेन बेस में लेके चले जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग रूम करेंगे गाइस। काफ़ी अच्छा यहाँ पर तो मैंने बना लिया, वहाँ से हम लोग बायो का रूम है वो जल्दी हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पर अभी चढ़ा के देखते हैं गाइस। ओ गाइस यहाँ पर देख सकते हो तो गाइस जैसे स्टोन का अपग्रेड किया चढ़ गई है, ओ उतर भी गई है, सॉरी यहाँ मेरा गेम लैग हो गया गाइस, जिससे यहाँ पे उतर गई, तब दोबारा फिर से ट्राई कर रहा हूँ तो फिर से चढ़ ही नहीं रही गाइस, वहाँ पर एक ही बार में चढ़ गई, तो अभी फिर से ट्राई करना पड़ेगा, तो थोड़ा दूर से जाना पड़ेगा लगता है, पास से नहीं होगा, तो और दूर से ला के ट्राई करते हैं। ओ भाई यहाँ पर तो चढ़ ही नहीं रही, उस बार जैसे झटके में चढ़ गई थी, तो अभी दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं चढ़ रही गाइस, उस पर चढ़ गई थी मैंने, मेरा गेम लैग हो गया गाइस जिससे उतर गया, तो अभी रिस्टोर करके ट्राई करते हैं इसके ऊपर रिस्टोर हो जाए, तो नहीं हो रही है गाइस, यहाँ पे साइड में करके रिस्टोर देखते हैं। ओ यहाँ पे तो हो जा रही है गाइस, तो लगता है वो 4 बेसल का लगाऊंगा तब होगी, छोड़ो जाने दो, रिस्टोर करने में भी फ्यूल जाता है, कम फ्यूल है, तो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट करके अरे मतलब चढ़ा के देखते हैं, तो ये चढ़ाते हैं। ओ गाइस यहाँ पे फिर से दोबारा चढ़ चुकी है, तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर लेंगे गाइस यहाँ पर, इसको कवर कर देंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।